नुकीली बातें, भारी दिल, सीधी सोच का नहीं कोई हल। खुशियों से दूरी, मन है भारी, सोचों का बोझ कैसी लाचारी। पर सोचों का आना और बात है, उनसे जुड़ जाना बेकार की बात है। जो नहीं है तेरा उसे छोड़ दे, अनजाने ख्यालों को कहीं और मोड़ दे। आने दो उन्हें पर जाने भी दो, जो है तुम्हारा उसे अपनाने दो। जीवन है तेरा, बस तेरा ही साथ, उसे जीने का लो अब तुम नाम। नमस्ते। जिस कार्ड की मैं बात कर रहा हूं वो है 9 of Swords। अगर हमने टैरो के सारे कार्ड्स को एनालाइज करना होगा और उसमें से अगर एक कार्ड चुनना होगा जो कि सबसे डिफिकल्ट कार्ड है, वो होगा 9 of Swords। 9 of Swords एक ऐसा कार्ड है जो कि एक बहुत ही विजुअली इंटेंस कार्ड है। एक ऐसा कार्ड जिसको देखकर आपके भीतर एक बड़ी इंटेंस फीलिंग आती है। जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं, हर टैरो कार्ड्स जो है अपनी कहानी बताता है। जब आप टैरो को देखते हैं तो साथ में उसकी एनर्जी को भी भांप सकते हैं, और वो क्या कहना चाहता है, वो क्या डिपिक्ट करना चाहता है, वो सब आप उसको देख के बता सकते हैं। 9 of Swords में हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कि बेड पे बैठा हुआ है, और उसके दोनों हाथ जो है अपने सर पर है। सबसे पहली बात जो हमें पता है कि ये आदमी जो है स्ट्रेस में है, ये आदमी जो है एक गंभीर स्थिति में है। तो इसकी जो बेसिक एनर्जी जो कार्ड की है, जो हमारे सामने आती है, वो ये कि यहाँ पे थॉट्स और फियर्स जो है आपको तंग कर रहे हैं। इस व्यक्ति को उसके थॉट्स और फियर्स जो है, उसके विचार और उसका डर, दोनों उसको जो है सता रहा है। इसलिए हम इस कार्ड को एंजाइटी, वरी, गिल्ट, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, इन सब चीजों के साथ जोड़ते हैं। फ्रेडरिक नीत्से इस कार्ड के बारे में एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं। जो लोग राक्षसों से लड़ते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वह खुद एक राक्षस ना बन जाए। और यदि आप बहुत देर तक अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी आप में झांकने लगता है। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि जब आप नेगेटिविटी से लड़ते हैं तो आप खुद जो है वहाँ पे नेगेटिव होना शुरू होते हैं। जब आप डेविल के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आप खुद डेविल हो जाते हैं। जब आप अंधेरे के साथ लड़ते हैं तो आप खुद अंधेरा होना शुरू हो जाते हैं। इस कार्ड को हमेशा एक चीज याद रखने की बात है इस कार्ड के बारे में, कि ये कार्ड बोलता है कि अंधेरे से लड़ो मत, राक्षस से लड़ो मत, क्योंकि ये दोनों ही नहीं है। कुछ ऐसा समझो कि तुम अंधेरे कमरे में अपनी तलवार लेके चले गए अंधेरे से लड़ने के लिए, लेकिन अंधेरा वहां है नहीं, वहां सिर्फ एक दिए की जरूरत है। दिए के होते ही जो अंधेरा है वो मिट जाता है। अंधेरा था ही नहीं, सिर्फ वहां प्रकाश की कमी थी। 9 of Swords जो है एक ऐसा कार्ड है जहां पे प्रकाश जो है, जहां पे प्रकाश की कमी है, जहां पे आपने जो है अपने अंधेरे पर जो है यकीन कर लिया है, जहां पे आपने यकीन कर लिया है कि आपको इससे लड़ना होगा। और हमेशा याद रखने की बात है, जब भी तुम किसी ऐसी चीज से लड़ोगे जो है ही नहीं तो तुम्हारी हार निश्चित है, तुम हमेशा हारोगे। एई वेट, जिन्होंने राइडर वेट टैरो कार्ड्स की संरचना की, वो इस कार्ड को डिस्पेयर और क्रुएलिटी के साथ जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें मेंटल सफरिंग, एक तरह की ऐसी साइकोलॉजिकल स्थिति जहां पे आप अपने मन के कारण जो है पीड़ा में है, कि आपका मन जो है, कि आपका मन जो है आपके अगेंस्ट हो गया, आपके अगेंस्ट काम करने लग गया। अक्सर सदगुरु जो है ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में है, डिप्रेशन में है, पीड़ा में है, उसका मन जो है उसके अगेंस्ट काम करने लग गया। आप ही का मन, आप ही की फैकल्टी, आप ही का सर्वेंट आपके अगेंस्ट हो गया। तो 9 of Swords में भी एक ऐसी ही स्थिति है जहां पे आपका मन जो है आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आपको खत्म करने के लिए तैयार हो गया,
और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि क्योंकि तुमने उसको जो है अननेसेसरी जो है इतनी एनर्जी जो है अपनी तरफ से दे दी। मन का सॉफ्टवेयर जो है बहुत सीमित है, मन के पास जागरण नहीं है, मन जो है वो एक बहुत ही लिमिटेड वे से जो है काम करता है। लेकिन हम अपना जीवन जो है मन के आधार पे जीने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम अपने मन के आधार पे जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता, पीड़ा के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो इस कार्ड में एवेट कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये व्यक्ति जो है ओवर थिंकिंग कर रहा है, विचारों से भरा हुआ है, और इसको डर की ऊर्जा ने जो है चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए उन्होंने इस कार्ड को कार्ड ऑफ सफरिंग भी बोला। अगर हम इसकी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें, कार्ल जंग इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि ये शैडो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। हमारी शैडो, जो हमारी शैडो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जहां पे हमारे दबे हुए इच्छाएं, वासनाएं, भाव, जो भी अप्रकट है वो सब कुछ जो है वहां पे जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं। वो हमारा अंधेरे से भरा तलघरा है, वो हमारी पर्सनालिटी का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बाहर व्यक्त नहीं करते और चुपचाप जो है अपने भीतर जो है उसको दबाते चले जाते हैं। तो जंग बोलते हैं इस कि ये एक ऐसी स्थिति है यहां पे कि एक व्यक्ति का जो रिप्रेस्ड माइंड है वो प्रकट हो रहा है यहाँ पे, कि अब एक ऐसी स्थिति हो गई है कि अब वो उसको जो है छुपा नहीं पा रहा, अब उसको वो दबा नहीं पा रहा। जब भी आप किसी चीज को दबाते हैं एक वक्त आता है कि जब वो फूट के जो है बाहर निकलता है, और ये ऐसी भी स्थिति है, ये जो एक पेनफुल जो स्थिति इस कार्ड में बनी हुई है वो कुछ ऐसी भी बात है कि फर्स्ट टाइम आप जो है अपने आप को देख पा रहे हैं जैसे आप हैं, कि आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है, पहली बार पेन को जो है आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अब तक आप उससे बच रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि कमरा बंद है, अंधेरा है, और आपको उसको फेस करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और जैसा कि हम कार्ड में देख रहे हैं, ये व्यक्ति अभी भी तैयार नहीं है उस दर्द को झेलने के लिए, उस दर्द को स्वीकार करने के लिए। इस कार्ड को हम ऐसे भी देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहां पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एक्सेप्टेंस अगर आपके भीतर घट जाती तो आज ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति ना बनती। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एक पेनफुल पीरियड है, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया, अगर आपने जो है उससे लेसन ले लिया, तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की जो है स्थिति नहीं बनती। और अगर आपने जो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स से जो है अगर लेसन नहीं लिया, तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स में जो है परिवर्तित हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी कारण जो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कन्वर्ट हो चुका है नाइन ऑफ सॉर्ड्स में, कि जो पीड़ा उस वक्त जो थी थ्री ऑफ सॉर्ड्स की, जिससे आप गुजर के जो है आप बाहर हो जाते कहीं ना कहीं, और आपने उसको स्वीकार ना करने के कारण अब एक ऐसी स्थिति, इतनी टफ स्थिति आ गई है जो कि नाइन ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति है, कि अब इसको स्वीकार करना और भी डिफिकल्ट हो गया है। दिल ही तो है ना संग ओ किश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। दिल की एक ऐसी स्थिति बन गई कि जहां पे बस रुदन ही रुदन है, जहां पे बस पीड़ा ही पीड़ा है, कि दिल से बस हाय हाय ही निकलती है, लेकिन कोई कारण नहीं है कि आप इस दर्द से गुजरे। सारे दर्दों से जो है तुम पार हो सकते हो, बस एक ही बात है, उसके स्वीकार से जो है सब चीजें जो है बदल जाती हैं। जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की जो स्थिति थी जहां पे एक रियलाइजेशन आपके साथ हुई थी, जो स्थिति आपको स्वीकार करनी थी, और उस स्थिति को स्वीकार ना करने के कारण अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि आप जो है कमरे में बंद हो गए हैं। अब तक जो था आप निकल के भाग लेते थे, लेकिन नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एक ऐसी स्थिति है कि आप कि उसने आपको जो है बांध लिया है,
कि उसने आपको जकड़ लिया है। इसलिए नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है आर और पार का कार्ड है, या तो आप आर हो जाएंगे या फिर आप पार हो जाएंगे। और इसलिए जो है मैं इस कार्ड को जो है कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट कार्ड भी बोलता हूं। कई लोग इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोलते हैं कि अगर आप इस अंधेरे से जो है गुजर गए तो उसके बाद सवेरा ही सवेरा है, उसके बाद प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन अगर आप ये रात नहीं काट सके तो अगला सवेरा शायद आप ना देख पाए। इससे जब भी ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आप इसको जो है इतना लाइटली नहीं ले सकते। एक सिंपली जो है एक तरह की स्थिति बताई जा रही है जो कि एक बहुत टफ सिचुएशन है, और इस वक्त आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इस वक्त एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपका मन खुद आपके जो है कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो गया, कि आपका मन जो है आपकी खुद की बात नहीं मान रहा। इस वक्त आपको एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है। इस वक्त आपको अपनी स्थितियां बदलने की जरूरत है, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है। इस वक्त आपको उन लोगों का साथ चाहिए जो पॉजिटिव है, जिनको आप खुश देखते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे जो है आपको पॉजिटिविटी मिलती है। ये समय वो है कि जब आप उन लोगों के साथ हो। ये समय जो है अकेले रहने का नहीं है, ये समय है कंफर्ट का। इस वक्त आपको कंफर्ट चाहिए, इस वक्त आपको सपोर्ट चाहिए, इस वक्त कोई चाहिए जो आपके कंधे पर हाथ रख सके, आपको संभाल सके और आप पूरी तरह से उसके ऊपर रिलाय कर सके। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप अपने ऊपर रिलाय कर पाएंगे। इस वक्त जो है जैसे आपका खुद का सॉफ्टवेयर जो है उसमें जैसे वायरस आ गया है, उसमें गड़बड़ आ गई है। इस वक्त कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर जो है इंटैक्ट है, जो अपने भीतर जो है पूरी तरह से पॉजिटिव है। वो व्यक्ति आपको संभाल सकता है, वो व्यक्ति आपको एक रास्ता दिखा सकता है। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है एक तरह का मेंटल प्रिजन है जो आपने खुद अपने लिए जो है कहीं ना कहीं क्रिएट कर लिया। और एक चीज और याद रखने की है कि ये स्थिति जो है वो आज ही नहीं बन गई है, एकदम से नहीं बन गई है, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है। आपके पास समय था कि आप इस स्थिति तक ना पहुंचते। आपके पास चॉइस थी कि आप कुछ अपने जीवन में जो है कुछ चीजें जो है बदल सकते थे, लेकिन आपने उनको वैसे ही रहने दिए, उनके ऊपर काम नहीं किया, उनको कोई चेंज नहीं किया, जिसके कारण जो है आपने अपने लिए एक मेंटल प्रिजन जो है, मन की एक जेल जो है आपने अपने लिए जो है बना ली। और अब इस मन की जेल के अंदर आप घुट रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम कमरे की सेटिंग जब हम देखते हैं, कमरे को देखते हैं तो पूरा अंधेरा है और शॉर्ट्स जो है हवा में है। शॉर्ट्स के साथ एक बात है जो याद रखने की बात है कि जब आप शॉर्ट्स को जो है जब आप इसको देखते हैं, जब आप शॉर्ट्स को एनालाइज करते हैं, शॉर्ट्स के कार्ड्स को देखते हैं, तो जब शॉर्ट्स जो है जब जमीन में है तो वो एक्टिव नहीं है, लेकिन जब वो हवा में है तो वो एक्टिव है। जब हवा में है तो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में नहीं है, और यही शॉर्ट जो है अगर वो अपराइट है, वो सीधी है, तो वो आपके कंट्रोल में है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि नाइन शॉर्ट्स जो है वो हवा में है, कि बहुत ही एक गंभीर स्थिति बनी हुई है कि आप जो है सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ जो है घिर चुके हैं, और बहुत सारी चिंताएं और परेशानियां कुछ ऐसी हैं जो कि अभी फ्यूचर में है, जो कि अभी भविष्य में है, जो कि अभी घटी नहीं है, लेकिन आप खुद को इतना परेशान कर चुके हैं उसके बारे में सोचकर कि आप एक तरह की डिप्रेशन की स्थिति में चले गए। अक्सर जो है हम अपनी लाइफ में जो दुखी और परेशान हो जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं, वो उन चीजों के लिए भर जाते हैं जहां पे वो भविष्य की चिंता होती है।
भविष्य में अभी जो प्रॉब्लम आनी है उसको लेके अभी से परेशान हो जाते हैं और फिर जो है दुखी होते हैं, पीड़ा में रहते हैं। लेकिन अगर हम इस क्षण को जो है पूरी तरह से जो है स्वीकार कर लें तो प्रभु की कृपा जो है पूरी तरह से आपके ऊपर बरस सकती है। एक क्षण में जो है अंधेरे से जो है बाहर हुआ जा सकता है, एक क्षण में जो है प्रकाश से जो है तुम अपने आप को भर सकते हो। लेकिन वही बात है कि अगर आपने सही बीज अपने भीतर डाले, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है, अगर आप इस पीड़ा से गुजर रहे, तो आपका एक छोटा सा संकल्प जो है ये सब कुछ बदल सकता है। जो पास्ट में जो हो चुका है, जो पीछे घट चुका है, जो पूर्व में घट चुका है, उसको तो बदला नहीं जा सकता और ना आप उसको लेके जो है परेशान होने की जरूरत है और ना ऐसा सोचने की जरूरत है कि काश मैंने वो किया होता तो आज ये ना होता, काश मैंने वो स्टेप ना लिया होता तो आज मेरे साथ ऐसी स्थिति ना होती। वो सब बातें बेकार हो चुकी हैं, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। वो सिंपली एक मेंटल कॉन्स्टिपेशन है जो आपके साथ घट रही है। आपको इससे मुक्त होने की जरूरत है, आपको अपने आप को स्वीकार करने की जरूरत है जैसे आप हैं अभी। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि प्रभु आपको स्वीकार करता है जैसे आप हैं। चाहे आपने जितनी मर्जी गलतियां करी, चाहे आपने कुछ भी करा हो, लेकिन प्रभु आपको इस क्षण भी जो है प्रेम करने के लिए तैयार है, आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को स्वीकार करना। प्रभु का प्रेम तो हर वक्त बरस ही रहा है, प्रभु तो है ही हमारे साथ, लेकिन आपको अपने से लड़ना बंद करना है। जब तक कि इस लड़ने से, जब तक कि अपने को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक जो है प्रभु का आशीर्वाद जो है तुम्हारे पर नहीं बरस पाएगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। लंबी हो सकती है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। कुछ ही वक्त में ये भी टल जाएगी, कुछ ही वक्त में ये भी खत्म हो जाएगी। तो दिल नाकाम ही तो है, ना उम्मीद तो नहीं। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन तुम्हें कभी ना उम्मीद नहीं करता, जीवन तुम्हें बहुत मौके देता है, जीवन तुम्हें अनगिनत मौके देता है। इसलिए प्रभु का एक नाम जो है रहमान भी है, कि उसकी रहमत हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, वो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखता है, वो हर वक्त जो है तुम्हारी गलतियों को जो है नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। इसलिए ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं जो है हम अपने आप को कहीं ना कहीं सता रहे हैं। इस कार्ड में एक तरह से अपने आप को जो है पनिश कर रहे हैं, मेंटली और इमोशनली। ये आपका डार्क साइड है जिसको आपने जो है बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा देती है। एक चीज याद रखने की है, जब भी नेगेटिविटी जब आपके जीवन में घट रही हो, कुछ भी नेगेटिव घट रहा हो, तो उससे लड़ना नहीं है, उसको जो है वैसे ही रहने देना है जैसे है चीजें। कुछ टाइम में अपने आप नेगेटिविटी जो है आपके जीवन से चली जाती है। जब जीवन में पॉजिटिव हो तो उसके साथ इंट्रैक्ट करना है, उसको जो है ऊर्जा देनी है ताकि वो और ज्यादा बड़ा हो जाए। लेकिन जब नेगेटिविटी जब जीवन में घटे तो वहां पे जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिफरेंट हो जाना, बहुत सावधान हो जाना है कि उस वक्त जो है उसके साथ इंट्रैक्शन नहीं करनी है। वो नेगेटिविटी आएगी और अपने आप चली जाएगी, लेकिन अगर आप उस नेगेटिविटी से उलझेंगे तो वो नेगेटिविटी जो है बढ़ जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है, इससे मुक्त हो जाओ और तभी शांति प्राप्त होगी। जब तक ये अज्ञान तुम्हारे जीवन में है तब तक जो है दुख का जो है कारण है। जिस दिन तुम अज्ञान से मुक्त हो जाते हो उस दिन तुम्हारे जीवन में शांति प्रकट हो जाती है। तो जाने अनजाने हमने अपना जीवन जो है चुना है। इस क्षण में तुम दुखी हो या सुखी हो, ये सिंपली जो है तुम्हारी अपनी खुद की एक चॉइस है, तुमने चुना है और उसको चुनने के कारण जो है आज तुम्हारी जो है ये स्थिति है।
जिस दिन तुम अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, जिस दिन तुम प्राउड हो जाते हो, जिस दिन जो है तुम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बंद कर देते हो, दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालना बंद कर देते हो, उसी वक्त जो है तुम अपने सुख और दुख के लिए खुद जिम्मेवार हो जाते हो। इसलिए बुद्ध का कहना है कि दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है, तो इस अज्ञान से बाहर आना है, इस तृष्णा से बाहर आना है, इससे मुक्त होना है, ताकि शांति जो है तुम्हारे जीवन में घटे। और गुरु ओशो भी बहुत कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं मन हमेशा भयभीत रहता है क्योंकि ये अज्ञात से डरता है। भय की जड़ों को देखो और मन का भ्रम टूट जाए। जिस चीज से भय लगता है, जिस चीज से डर लगता है, अगर हम उसको जो है आंख में आंख डालकर देख सके तो 99% जो है हमारे भय और हमारे जो डर है वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, वो सारे मन के खुद के जो हैं बनाए हुए हैं। उनको देखने भर से जो है मुक्ति जो है जीवन में घटनी शुरू हो जाती है, यही गुरु ओशो बोल रहे हैं। इसलिए मैं इस कार्ड को जो है कहीं ना कहीं एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी समझता हूं। कि जैसे मैंने ये बात बोली कि ये आर और पार वाला कार्ड है, अगर आपने जो है ये रात काट ली तो फिर दोबारा रात तुम्हारे जीवन में नहीं कटेगी, फिर दिन ही दिन है। ये एक तरह की आखिरी रात है, आखिरी पीड़ा जिससे तुम गुजर रहे हो। तो जिस फिगर को हम देखते हैं, जिस तरह से उसने अपने हाथों को जो है अपने अपने फेस के ऊपर रखा हुआ है, छोटा सा एक्ट है, अगर वहां पे जो है वो आदमी जो है अपने आंखें जो है खोलने के लिए तैयार हो जाता है और हाथों को जो है हटाने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं उसी क्षण जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है घटनी शुरू हो जाएगी। इसलिए रूमी कहते हैं ये भी कट जाएगा, अंधेरी रात भी अंततः सुबह लाएगी। रूमी कहते हैं दिस टू शैल पास। हमेशा एक चीज हमेशा याद रखने की बात है कि जो भी स्थितियां आपके जीवन में घट रही हैं, सुख हो दुख हो, दिस टू शैल पास, ये भी कट जाएगा। और रूमी इस कार्ड के बारे में बोल रहे हैं कि अंधेरी रात भी अंततः सुबह लाएगी। अंधेरी रात भी शुभ है क्योंकि वो सुबह लेके आ रही है। इस अंधेरी रात को जो है पॉजिटिविटी की तरह देखने की बात है। जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा रहे, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां दुनिया संकीर्ण दीवारों से विभाजित ना हो, जहां शब्द दिल की गहराइयों से निकले, जहां निरंतर प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हो, जहां बुद्धि की स्वच्छ धारा मृत आदतों की रेतीली भूमि में ना खो जाए, जहां मन तुझे पाकर निरंतर बढ़ता जाए, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे पिता मेरे देश को जागृत कर। ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर कविता है। और जिस देश की यहां बात की जा रही है वो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा होना है। कि इस देश में हे पिता प्रकाश जो है उसको जला दो, उसको जगा दो। इसलिए हमारी प्रार्थना जो है बहुत मान्य रखती है। इसलिए हमने प्रार्थना की अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हे मां मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल, हे मां मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चल। तो अंधेरा चाहे जितना मर्जी क्यों ना हो, अगर आपने उस पिता का हाथ पकड़ लिया, उस उन क्षणों में जो है अगर पिता को याद रखा, तो पिता तुम्हें जो है उस सुबह तक ले जाएगा। तो पिता तुम्हारे भीतर जो है वो जागरण जो है पैदा कर देगा, वो प्रकाश जो है तुम्हारे जीवन में ले आएगा। बुल्ले शाह की शिक्षाओं में वे शरीर को 9 द्वार के रूप में वर्णित करते हैं, जो इंद्रियां जैसे कि आंखें, कान, नाक, मुंह और शरीर के अन्य अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आत्मा बाहरी दुनिया से जुड़ती है और इंद्रियां सुखों में उलझ जाती हैं। लेकिन 10वां द्वार छिपा रहता है और यही द्वार
आध्यात्मिक जागृति और ईश्वर से मिलन का मार्ग है। तो इस कार्ड के अंदर एक चीज छुपी हुई है, एक बहुत एक ब्यूटीफुल एक स्पिरिचुअल मैसेज छुपा हुआ है कि अगर हम इस 9 द्वारों से जो है बाहर आने के लिए तैयार हैं, तो 10वां द्वार जो है वो प्रकट हो जाता है। जब तक आत्मा इस छिपे हुए द्वार को नहीं ढूंढती और उसे नहीं खोलती, तब तक वह अपनी असली स्रोत यानी ईश्वर की उपस्थिति से जुड़ नहीं पाती। तो बुल्ले शाह आपको जो है इस कार्ड के थ्रू बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन 9 द्वारों से बाहर आना है, इन 9 बंधनों से बाहर आना है, ताकि 10वां द्वार खुल सके, ताकि तुम्हें परम मुक्ति मिल सके। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम, नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।